हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आओ जिस बिजनेस से आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके महीने में 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अभी का टाइम पे जैसे जॉब मिलना बहुत ही नामुमकिन हो गया है, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, अभी प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलते, अगर मिलेगा तो भी कितना मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला है। तो आपको पता ही होगा एक नौकरी जॉब मिलने का बाद उसमें जाके कितना काम करना पड़ता है, तब जाके महीने में आपको सैलरी आते है। सुबह 9 बजे से शुरू करके कोई कोई जॉब तो ऐसे भी रहते जो रात तक आपको काम करना पड़ते है, और ज्यादा तो 4 बजे तक छुट्टी हो जाते, लेकिन फिर भी कितना काम करना पड़ता है आपको हिसाब है। उससे भी आधा काम अगर करोगे घर पे, आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो उससे कई गुना पैसा आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज जो बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आओ वो सिर्फ 10,000 भी नहीं रहेगा, 10,000 से भी कम आप अगर इन्वेस्ट करोगे आपका बिजनेस में तो महीने में 3-4 लाख रुपया कमाना बहुत कोई बड़ा बात नहीं होगा। हाँ फ्रेंड, मैं आज जो बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ वो फिनाइल का बिजनेस, आप नाम सुना ही होगा। फिनाइल तो ऐसे ही इतना ज्यादा चलता आप सोच भी नहीं सकते, जो हर फैमिली में गांव में थोड़ा कम चलते हैं बच्चा से, लेकिन हर शहर में हर सिटी में इतना ज्यादा यूज होता है फिनाइल का अभी का टाइम पे भी। तो ऐसे अगर उसका बिजनेस अगर चालू करोगे और थोड़ा कम रेट में सप्लाई देना चालू करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही स्पीड से चलेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको क्या पता है, हम लोग जो एक लीटर फिनाइल खरीद के लाते 120-130 रुपया में बाजार से, वो फिनाइल जो है वो बनाने में खर्चा कितना होता है आपको पता नहीं होगा। मैं बता देते, अगर आप फिनाइल का बिजनेस चालू करोगे तो 1 लीटर फिनाइल बनाने में आपका खर्चा होता है टोटल मिलाकर फ्रेंड 14 से 15 रुपए तक खर्चा होता है फ्रेंड, जो बाजार में बिका जाते 120 से 130 रुपए तक। और फ्रेंड, ये जो फिनाइल है ये बनाने का जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक लिक्विड मिलते बाजार में जो आपको घर पे लेके आना पड़ेगा और लाके पानी में सिर्फ पानी का साथ मिक्स करना पड़ेगा तो फिनाइल रेडी हो जाते, दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ती। और जो चीज है फ्रेंड, आपको एक बोतल खरीदना पड़ता है, लेबल कंप्यूटर दुकान से खरीदना पड़ता है, तो टोटल मिला के अगर हिसाब लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 रुपया आपका 1 लीटर फिनाइल में खर्चा होते, और वो अगर दुकान में से खरीदेगा तो 120 से 130 रुपया 1 लीटर खरीदना पड़ते। और अगर आपने बेचने जाओगे तो 1 लीटर फिनाइल लगभग 50 से 60 रुपया आप होलसेल रेट में बेच सकते हैं। तो मान लीजिए जो 15 रुपया आपको खर्चा हो रहा है 1 लीटर फिनाइल में और बेच रहे 50 से 60 रुपया, तो ये जो फेरिया है फ्रेंड आपको अच्छा लगेगा जब इतना सस्ता में बन जाता है, इतना होलसेल रेट है तो ये करना चाहिए। लेकिन करोगे कैसे मैं तो पहले वो बता देते, आपको फिनाइल बनाने के लिए जो लिक्विड का जरूरत पड़ते वो है फिनाइल कॉन्सेंट्रेट, वो आप अगर गूगल में जाके फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी मिल जाते, दुकान में भी बड़ा बड़ा कोई शॉपिंग दुकान रहेगा उसमें भी मिल जाते, आप अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते तो भी मंगा सकते हैं, और उसका लिंक जो है फ्रेंड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहां से भी मंगा सकते हैं। तो 1 लीटर जो कॉन्सेंट्रेट है वो आपको मिल जाते सिर्फ 150 रुपया में भी मिल जाते, फिर 250 रुपया 200 रुपये में मिल जाते, एक एक जगह पे एक एक रेट आपको मिल जाएगा देखने का। तो 1 लीटर जो कॉन्सेंट्रेट है फ्रेंड उसमें आप 19 से 20 लीटर पानी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए जहां पे 1 लीटर फिनाइल है आपको 120 से 130 रुपये में मिल रहा है, वही 1 लीटर फिनाइल बनाने का जो लिक्विड है सिर्फ आपको मिल रहा है 150 रुपये में, और वो 1 लीटर से 20 लीटर फिनाइल तक बना सकते हैं। तो इससे ज्यादा फायदा क्या हो सकते है, तो आपको करना क्या पड़ेगा वो मैं बताते। सिंपली ऑनलाइन से फिर कोई दुकान से 1 लीटर जो कॉन्सेंट्रेट है पहले पहले चालू करने का टाइम पे ऐसा खरीद के लेके आना, 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट के अंदर फ्रेंड 19 लीटर पानी डाल देना, पानी डालने के बाद वो जो फिनाइल है ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, बिकने का लायक हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट 19 लीटर पानी में मिक्स कर देना। और आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो बाटल आते फ्रेंड, बाटल आपको सिर्फ 2 से 3 रुपये में आपको बाटल मिल जाएगा बाजार में, अच्छा खाली वाला बाटल, तो वो खरीद के लाना। फिर आपका जो बिजनेस है उसका एक नाम देना पड़ेगा, एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा, कोई भी नाम आपका नाम से भी रख सकते हैं, तो एक ब्रांड नेम लिख के वो साफा के लाना, जो लेबलिंग करने का जरूरत पड़ता है बोतल का साइड में जो लेबल रहते हैं वो लेबलिंग करने के लिए,
सभा के लेके आना कंप्यूटर का दुकान के, उसमें लगभग 50 रुपया से 50 पैसा से 1 रुपया तक आपका खर्चा आ सकते है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, वो तो मिक्स्ड आपको 1 लीटर जब कॉन्सेंट्रेशन लेके आओगे 19 लीटर पानी में डालोगे तो आपका जो फिनाइल है वो रेडी हो गया। अभी फ्रेंड वो जो आपको 1 लीटर पहले पहले अगर चालू करोगे तो मेरा हिसाब से 1 लीटर का डब्बा नहीं खरीदना, आधा लीटर का डब्बा खरीदना, क्योंकि जो छोटा साइज का जो फिनाइल है वो सबसे ज्यादा चलते है सिटी में। तो आपको वो बॉटल में डाल देना और वो जो मैं लेबल का बात बोला वो लेबल उसमें चिपका देना। चिपकाने के बाद फ्रेंड आप पहले पहले तो दुकान में जाके भी बेच सकते हैं, और ऐसे अगर आपको कोई जैसे होलसेल करने वाला मिल जाए तो उसके पास भी दे सकते। जैसे एक बोतल फिनाइल आपको 60-65 रुपए में बिकते, आपको तो इतना नहीं बिकेगा, दुकान में जाओगे तो आपको कितना में देना पड़ेगा, 25-30 रुपए पहले पहले में सेल करना, और आप अगर कोई आदमी के पास सेल करोगे तो 60-65 रुपए भी बेच सकते। लेकिन अगर दुकान में जाओगे तो 25-30 रुपए होलसेल रेट में आप दे देना, तो भी मान लीजिए आधा लीटर बनाने में आपको खर्चा कितना आ रहा है वो मैं बताते। मान लीजिए 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट खरीदने के लिए आपको जा रहा है 150 रुपया, तो आपको 150 रुपया में कितना लीटर होगा, 20 लीटर, तो आधा लीटर करके अगर हिस्सा काट दे तो आपको 40 बोतल आएगा, 40 बोतल में आपको 3.5 रुपया का कॉन्सेंट्रेट लगेगा एक बोतल फिनाइल बनाने के लिए। और जो पानी है वैसे तो फ्री में मिलते, और जो बोतल है फ्रंट बोतल तो 2 रुपया में मिल जाएगा, तो 3.5 रुपया और 2 रुपया 5.5 रुपया हो गया। और जो लेबल करने का खर्चा फ्रेंड 1 रुपया पकड़ लीजिए तो 6.5 रुपया 7 रुपये ही पकड़ ले, तो 7 रुपया आपका खर्चा गिर रहा है, और आप बेच रहे हैं कि कितना मैक्सिमम मिनिमम भी पकड़ोगे तो भी 25 रुपया, तो आपका खर्चा फायदा कितना हो रहा है, लगभग 350%। तो ऐसे अगर पहले पहले आप चालू कर दोगे, ऐसा कोई अच्छा खासा होलसेल अलग के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, पहले पहले थोड़ा डैम चलेगा लेकिन जब सेल चालू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहेगा, तो वो जो बाजार में जो होलसेल रेट मतलब 30-35 रुपए तक रहे थे आप वहां पे 25 रुपए में दे रहे हैं, मतलब दुकानदार को भी हर बोतल में हाफ लीटर बोतल में 10 रुपए तक फायदा हो रहा है, तो आपका पास से खरीदेगा तो जल्दी से जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने लग जाएगा। तो ऐसा अगर हिसाब लगाओ फ्रेंड, 7 रुपया में अगर 25 रुपया मिल रहा है, 350% यह है, अगर आपका सेल बराबर कर सकते हैं तो महीने में 3-4 लाख रुपए कमाना कोई बड़ा बात नहीं होगा। पहले पहले थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा जो हर नौकरी में हर जॉब में करना पड़ता है, उससे आधा भी आप अगर इधर में मेहनत करोगे तो उससे कई गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जरूर आप ट्राई करना, और अगर ये बिजनेस आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरा भी बहुत सारे बिजनेस के ऊपर मैं वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो भी देख सकते हैं, उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। और मेरे को जरूर कमेंट करना ये जो वीडियो है, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, नमस्कार।